आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आज का राशिफल और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 9 फरवरी 2021 है, विक्रम संवत 2170, शक संवत 1942 सर्वरी है, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है जो प्रातः 2:05 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 7:04 पर होगा, सूर्यास्त शाम को 6:07 पर होगा, चंद्रोदय प्रातः 6:05 पर होगा, चंद्रास्त 10 फरवरी दोपहर 3:39 पर होगा। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो दोपहर 2:39 तक रहेगा। तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वज्र योग है जो प्रातः 9:11 तक रहेगा। तत्पश्चात सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे। रात 8:31 तक तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा है। आज का शुभ समय अभ्युत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से 12:58 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। जानते हैं अमृत काल का समय जो प्रातः 9:59 से 11:33 तक रहेगा। इस समय में भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। आज का अशुभ समय है राहु काल दिन के 3:31 से 4:44 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बस यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल ना हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज बिगड़ते बिगड़ते कार्य बन जाएंगे, चिंता न करो, समय दोपहर के बाद आपके अनुकूल आ जाएगा। अपने भेदों को गुप्त रखो, पश्चिम दिशा की यात्राएं रद्द रखो, जीवन साथी से विवाद न करें, दिन उत्तम रहेगा। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप आर्थिक मामलों में योजना बना सकेंगे और धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। परिवार के साथ आपका समय आनंदपूर्ण बीतेगा। आज नए कपड़े व गहने खरीद सकते हैं तथा आमोद प्रमोद में आपका दिन व्यतीत होगा। आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज ज्यादा पैसे लगाकर कुछ खरीदना चाह रहे हो तो फिलहाल अपना इरादा बदल दो, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझें। कार्य बिगड़ते बिगड़ते संभल जाएंगे, दिन लाभदायक कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपना पॉकेट संभाल कर रखें, दिन चोरी जा सकता है। आपकी सुबह ताजगी पूर्ण रहेगी, दिन मिश्रित फलदायी कहा जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, लंबी यात्राएं करने का प्रयास न करें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सोचे हुए कार्यों में अधिक मात्रा में सफलता मिलेगी, बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वाहन खरीदना हितकर नहीं होगा, पत्नी अथवा प्रेमिका की वजह से कुछ परेशान होना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए संघर्षमय कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्य सोच समझ कर ही करें, लापरवाही और असावधानी का प्रयोग विशेष हानिकारक साबित हो सकता है। शिव जी की पूजा आराधना आपके लिए हितकर होगी। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई नया वाहन खरीदने का इरादा हो तो अपना इरादा बदल दें। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होने के योग दिख रहे हैं, लंबी यात्राएं आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है।
आज परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। सावधानी बनाए रखें। लोहा खरीदने में पैसा लगाना चाहते हैं तो हानिकारक साबित हो सकता है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपकी आपके पर पड़ी उधारी आपको चुकानी पड़ सकती है। नया वाहन खरीदने का इरादा हो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं से परहेज करें, दिन अनुकूल रह सकता है। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वस्त्र आभूषण खरीदने में आपका धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। ध्यान रहे कि पड़ोसियों से विवाद करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, इसलिए क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन खरीदने का इरादा हो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। दक्षिण या पश्चिम दिशा की यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, दिन उत्तम कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने अहम को संभाल कर रखें, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज अपने आप को पूरी तरह से सावधान रखने की कोशिश बनाए रखें। हो सके तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में रुचि रखें, दिन उत्तम रहेगा। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94-5555-111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क। RPS समाचार को सब्सक्राइब करें, जाने सबसे पहले मेरे